दोस्तों डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया मतलब जिसे हम गला घोटू बोलते हैं, ये जो बीमारी है गला घोटू की, ये क्या होती है, किसकी वजह से होती है, क्या ऐसे कारण है कि हमें डिप्थीरिया हो जाता है? दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि डिप्थीरिया डिजीज क्या होती है। दोस्तों डिप्थीरिया डिजीज या गला घोटू बीमारी काफी खतरनाक बीमारी होती है, बहुत ज्यादा डेंजर बीमारी है ये। तो बात करें दोस्तों कि ये है क्या। दोस्तों डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन है जिसे रोहिणी और दोस्तों गला घोटू की बीमारी भी कहा जाता है। ये दोस्तों कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, ये इसका नाम होता है कोराइन बैक्टीरियम, जिसकी वजह से हमें डिप्थीरिया होता है। दोस्तों नॉर्मली बात करें तो ये 2 साल से लेकर 10 साल तक की जो एज के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इसके होने का रिस्क बड़ी एज में भी, एडल्ट्स में भी, ओल्ड एज में भी, सभी में हो सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों बच्चों में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं इसके। इसके सिम्टम्स 2 से 4 दिन में ही पूरी तरह से दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों डिप्थीरिया गले में होने वाला एक काफी खतरनाक रोग है जो नाक और गले की श्लेष्मा जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, उसको इफेक्ट करता है। दोस्तों इसके अलावा डिप्थीरिया उन बैक्टीरियल इंफेक्शन में गिना जाता है जो एक इंफेक्टेड व्यक्ति से किसी भी स्वस्थ अदर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको भी ये बीमारी आसानी से हो सकती है, यानी कि ये ट्रांसमिटेड भी होता है। दोस्तों अगर टाइम रहते हुए अगर गला घोटू या डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो दोस्तों ये काफी खतरनाक साबित हो जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों इसके कारण हार्ट फेलियर का खतरा सबसे अधिक हो सकता है। डिप्थीरिया की समस्या होने पर नॉर्मली सर्दी जुखाम जैसे कुछ सिम्टम्स ही दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके कारण गले में गहरे ग्रे रंग का एक पदार्थ जमने लग जाता है जिससे इसकी पहचान की जाती है। दोस्तों ये मोटा तरल फ्लूड जो लिक्विड रहता है, सांस लेने वाली जो हमारी ट्यूब्स होती है इनको अवरुद्ध करने लगता है, जिससे दोस्तों क्या है, हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है, प्रॉपर तरीके से हमें सांस नहीं आ पाती है क्योंकि जो सांस वाली नली है उनको ब्लॉक करने लग जाता है। दोस्तों आगे बात करें कि डिप्थीरिया के कारण छोटे बच्चों की कई बार डेथ भी हो जाती है। इससे दोस्तों हर साल छोटे बच्चों जिनकी उम्र 15 साल से कम है या उससे थोड़ा और ज्यादा कम है तो उनमें दोस्तों सबसे ज्यादा डिप्थीरिया देखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिप्थीरिया की वजह से हमारी बॉडी के कौन से अंग हैं जिनको ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है। दोस्तों डिप्थीरिया के बैक्टीरिया हार्ट की जो मसल्स हैं, मांसपेशियों के टिश्यू जिसे दोस्तों मायोकार्डियम कहते हैं, उनको ये गंभीर तरह से इफेक्टिव कर सकते हैं जिससे हार्ट कमजोर होने लगता है और उसकी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। इससे शरीर का जो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर, वो कम होने लगता है और पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। दूसरा दोस्तों ये नर्व सिस्टम को भी इफेक्टिव करता है। ये नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसको भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों 10 से 12 दिन तक इसका इन्फेक्शन सादी तौर पर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करना शुरू कर देता है। पहले दोस्तों ये गले की नर्व्स को इफेक्ट करता है जिससे दोस्तों बोलने की क्षमता, सांस लेने में प्रॉब्लम, साथ ही कुछ भी खाने पीने में भी आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारी आंखों के लिए भी काफी खतरनाक होता है। डिप्थीरिया आंखों की नर्व्स को भी इफेक्ट कर सकता है जिससे दोस्तों हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में कमी आ सकती है। 2 या 3 हफ्ते के बाद दोस्तों पॉलीन्यू आईराइटिस के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक आई डिजीज होती है दोस्तों, पॉलीन्यू आईराइटिस, तो ये काफी खतरनाक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की, कि डिप्थीरिया के या गला घोटू के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों इसके जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मली एक जैसे कि आपको सर्दी जुकाम के जो सिम्टम्स हैं कुछ इस टाइप से महसूस हो सकते हैं, जैसे गला खराब होना, खांसी आना, फीवर होना, कई बार दोस्तों हमारे गले में कुछ सूजन महसूस करना, जो ग्लैंड्स होती हैं गले में उनमें सूजन महसूस करना, नाक बहना, गले में दर्द रहना, ठीक है। दोस्तों हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100-102 के आसपास तक जाना, सर दर्द, कवच, अल्सर, इस तरह के इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो दोस्तों देखे जा सकते हैं। इसकी जो सिम्टम्स की वजह से दोस्तों जो ज्यादा हमारे मतलब लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कारण की, कि दोस्तों इसके डिप्थीरिया के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से दोस्तों डिप्थीरिया होता है। दोस्तों डिप्थीरिया डिजीज का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो एक पैरासाइट्स का नाम होता है, जो छोटे बच्चे के
खिलौने, पेंसिल जैसी जो भी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, इनसे एक दूसरे बच्चे को आसानी से फैल सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर एक दूसरे बच्चों की इस तरह की जो चीजें हैं उनको शेयर करते हैं, जिन्हें अक्सर वे मुंह में डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। बच्चों में इस तरह की दोस्तों चीजें रखने से गले की जो स्लेस में जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, इसमें डिप्थीरिया डिजीज पैदा हो जाती है। तो इसका जो दोस्तों मेन कारण है डिप्थीरिया होने का, वो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी जो इसका नाम होता है, इसकी वजह से ये डिप्थीरिया या गला घोटू का कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो डिप्थीरिया है ये कितने टाइप के, मतलब इसके वायरस है, इसके बैक्टीरिया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।